प्यारे बच्चों, हम सभी ने अपने बड़ों से सुना है कि सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि सुबह के समय उठने वाले छात्र अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल कल्किन मेडिटेशन एंड मोटिवेशन पर। माना कि सूर्योदय से पहले जागने से शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उस समय वातावरण बेहद सुखदायक और शांत होता है। परंतु समस्या है कि कैसे सुबह जागें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे सुबह जाग सकते हैं। रात में सोने से पहले अलार्म लगा लेना चाहिए, और हाँ, अलार्म को अपने बिस्तर से थोड़ा दूरी रखें, अपने बगल में नहीं रखना है, जिससे सुबह के समय जब अलार्म बजे तो आप आसानी से बंद नहीं कर सकें। इस तरह आपकी नींद टूट जाएगी और आप सुबह जल्दी जाग जाएंगे। अलार्म का समय सुबह 4 बजे से 5 बजे के आसपास का सेट करें। छात्रों को रात में भोजन ग्रहण करने के बाद मोबाइल या अन्य गैजेट को नहीं चलाना चाहिए। अगर आपने अपनी पढ़ाई सुबह करनी है तो रात में जल्दी सो जाएं। रात का खाना अधिक तेल वाला नहीं हो। आपको रात के समय हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे सुबह के समय कम आलस्य आए। बच्चों, अगर आप सुबह का समय अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी कार्य आपको करने हैं उन्हें आप रात में ही प्लान करके सोएं, क्योंकि कार्य करने की जिम्मेदारी होने पर आपकी नींद स्वतः ही खुल जाएगी। एक बार इन आसान तरीकों को अपनाएं और सुबह जल्दी उठें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको अवश्य होगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसके बताए हुए उपाय आपको अच्छे लगे, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल कल्किन मोटिवेशन एंड मेडिटेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएँ। गुड।